स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है इसी चैप्टर वन में, ओके, रैशनल नंबर्स में अपना पार्ट सिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हालांकि कुछ स्टूडेंट्स सेवंथ क्लास में भी इसको बड़े अच्छे से समझ के आते हैं, ओके, और सिक्स क्लास में आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे लेते हैं, ठीक है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हम अभी इसको एट्थ क्लास में फिर से पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि हम नेचुरल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बिकॉज आई टोल्ड यू कि नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वन से स्टार्ट, ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने इसको वन से स्टार्ट किया अपनी नंबर लाइन को, वन से स्टार्ट करके यू विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ओके, राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करेंगे अपनी नंबर लाइन के ऊपर और आप इसमें आगे कहीं तक भी जा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, ये जो हमने एरो लगाया हुआ है, बट लेफ्ट साइड पर नेचुरल नंबर लाइन पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारे वन से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट होल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, आपको पता भी है कि रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे कर सकते हैं उसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेसिमल नंबर्स वगैरह, तो वो आप सीखेंगे नाइन्थ क्लास में। होल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा जीरो से, ओके, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में यही चीज डिफरेंट होती है कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम, नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड होल नंबर्स दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, रेस्ट इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कुछ भी नहीं है होल नंबर्स में, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड मूविंग टू द राइट साइड, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में भी आपको क्लियर है कि वो नेगेटिव भी होते हैं हमारे एंड दे आर पॉजिटिव एज वेल, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, ओके, तो व्हाट वी कैन से, नेगेटिव साइड पर भी आप आगे तक प्रोसीड कर सकते हैं एंड पॉजिटिव साइड पर भी आप, यानी राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पर आप आगे तक प्रोसीड कर सकते हैं, सो दीज आर इंटीजर्स। नाउ रैशनल नंबर्स, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी कि रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे जीरो बनाया हुआ है, ये हमारा वन है, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि वन बाय टू कहाँ आएगा, ठीक है, अब आपको पता है कि दैट इज वन अपॉन टू, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करते हुए बीच बीच में समझेंगे, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को पहले से आनी चाहिए। इफ आई एम राइटिंग वन बाय टू, ठीक है, तो ये मेरा क्या है बेटा, न्यूमिरेटर, एंड व्हाट इज दिस, डिनोमिनेटर, ओके, तो ये एक चीज याद रखना, ऊपर जो हमारी टर्म आती है फ्रैक्शन में दैट इज न्यूमिरेटर, और जो नीचे टर्म आती है दैट इज डिनोमिनेटर, ओके, एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, बाद में हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर, तो माय न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप एक चीज याद रखिए, इफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और आई कैन से इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, सेम थिंग, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, देन जो हमारा रैशनल नंबर है वो हमारा वन से छोटा होगा, obviously बात है, if denominator, you can see this is my denominator, it is greater than numerator, ठीक है, numerator से बड़ा है denominator, अगर denominator बड़ा होगा, then जो हमारा rational number है, that number will be less than one, okay, जैसे कि हमारा अभी 1 by 2 है आपके सामने example, तो 1 by 2 मुझे पता है कि 1 से छोटा है, now if I say, if न्यूमिरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन हम क्या बोलेंगे बेटा, देन हम बोलेंगे नंबर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, अब वन के बाद मान लीजिए न्यूमिरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर वो हमारा डिपेंड करेगा कि वो नंबर टू से बड़ा होने वाला है या थ्री से बड़ा होने वाला है, फॉर द टाइमिंग रैशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है उनको नंबर लाइन पर, तो सपोज मैं बोलता हूं 1 बाय 2, अब आपको ये पता है डेसिमल्स वगैरह इतना आपने सीखा है कि
जीरो और वन के बीच में वन बाय टू आएगा, एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। तो दिस इज माई वन बाय टू, आपको पता है कि वन बाय टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस पॉइंट इज वन बाय टू ऑन द नंबर लाइन। हम डिस्कस करेंगे अभी कि प्रॉपर वे क्या है नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, दैट वी विल डिस्कस। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर क्या आएगा बिटवीन वन एंड टू, ठीक है, तो दिस इज वन एंड हाफ, ओके, एंड वन एंड हाफ क्या होता है बेटा, दिस इज थ्री बाय टू, तो ऑन द नंबर लाइन दिस इज थ्री बाय टू। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, बिकॉज रैशनल नंबर्स दोनों होते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो अगर हम बात करें यहां पर तो मेरा क्या आ जाएगा, ये दिस विल बी माइनस हाफ, ओके। एंड सिमिलरली आई कैन से इफ आई टेक अ पॉइंट हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू, वन बाय टू, थ्री बाय टू, माइनस वन बाय टू यानी माइनस हाफ, एंड दिस इज माइनस थ्री बाय टू, माइनस वन एंड हाफ। अब हमने सीखना है प्रॉपर वे कि हम दो नंबर्स के, ये सॉरी, हम नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/8 को ऑन द नंबर लाइन। अब आपको सीखना है प्रोसीजर, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एक लाइन लेंगे। सपोज मैंने कुछ ऐसी लाइन ले ली, ठीक है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई 1/8 ऑन दिस लाइन। तो वट यू विल डू, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या है 1/8, तो इस लाइन को आई कैन से मैं डिवाइड करूंगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे अभी हम, बिकॉज मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, मुझे नेगेटिव पार्ट लाइन का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोलूंगा कि मैंने यहां पर जीरो से स्टार्ट किया, अब मेरे पास डिनोमिनेटर में है 8, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई कैन से दिस इज जीरो, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आप ये करने के लिए स्केल भी यूज कर सकते हैं, ये हमें इक्वल डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है, ऑल द 8 पार्ट्स दे शुड बी इक्वल। तो हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स, ठीक है, ये हमारे 8 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। अभी आपको क्या बोला मैंने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ली और उसके ऊपर हमने 8 पार्ट्स बना दिए। अब देखिए ध्यान से, आप इन सब के नीचे, इन सब नंबर्स के नीचे यू विल राइट बाय 8, दैट यू कैन डू इजीली, ओके। हियर आई विल राइट 8, यहां पर भी मैंने 8 लिख दिया, यहां पर भी एंड यहां पर भी मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आपको चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था 1/8। मैंने बोला कि मैंने 8 पार्ट्स पहले से बना दिए। अब आप ध्यान से देखिए, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 8/8 एंड आई कैन से 8/8 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो 8/8 मेरा 1 के इक्वल हो गया, ये क्या था मेरा 0/8, तो 0/8 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 1/8, तो ये जो मेरा पॉइंट है बेटा, ये है मेरा 1/8। आपको एग्जाम में इसको ऐसे सर्कल करके दिखा देना है कि ये 1/8 हमारा पॉइंट आ गया, और मेरी नंबर लाइन थी जो, ठीक है, उसको सबसे पहले मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने 8 पार्ट्स लिख दिए, सबके नीचे आपने 8 डाल दिया, तो यू कैन से कि हमारा नंबर लाइन पर 1/8 आ गया। सिमिलरली यू कैन से 3/8, 5/8, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने सपोज आपको बोला कि हमें नंबर लाइन के ऊपर 3/5 रिप्रेजेंट करना है, ओके स्टूडेंट्स, मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/5, तो प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द प्रोसीजर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में है 5,
तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इस नंबर लाइन को आप डिवाइड करेंगे फाइव इक्वल पार्ट्स में, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 3 बाय 5, तो आप क्या कर देंगे, यहां पर भी आप बाय फाइव लिख दीजिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब ये क्या है बेटा मेरा, 5 बाय 5 इज इक्वल टू, बताइए, दैट इज इक्वल टू 1। एंड ये हमारा क्या है, ये है हमारा 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, दिस पॉइंट इज 3 बाय 5, जो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, उसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, आपको लेफ्ट साइड पर जाना है, अभी हम जा रहे थे राइट साइड पर, ठीक है। इसके अलावा भी अभी हमारा 0 और 1 के बीच में नंबर है, अभी हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे, ये भी हो सकता है कि आपका न्यूमिरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर आपका छोटा रहे, ठीक है, तो वो नंबर हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, हम वो अभी फर्दर देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये 5 बाय 3 हमारा है यहाँ पर नंबर लाइन पर, अब हमें इसको देखना है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, तो उसमें मैंने क्या लिया था, मैंने उसमें न्यूमिरेटर को छोटा लिया था, डिनोमिनेटर को बड़ा लिया था। अब मैं आपको एक डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि न्यूमिरेटर हमारा 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है। ओके, न्यूमिरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 3, और यहाँ पर हमने एक नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल लिया है। नाउ देखिए, 5 बाय 3 को नंबर लाइन पर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप इसको ऐसे देखिए कि 5 बाय 3 कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच में आ रहा है, 5 बाय 3, बिकॉज आपको पता है कि 6 बाय 3 क्या होता है, 2। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर ये 6 बाय 3 होता तो दैट इज इक्वल टू 2। अभी ये अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं, आप ये मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 से बड़ा है। ओके, तो आपको पता है कि ये नंबर मेरा 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, इतना आपको पता है। अब आपने क्या करना है, ये 3 डिनोमिनेटर में है, तो एक काम करिए, आप या तो इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो आई कैन से इफ इट इज 1, ठीक है, ये मेरा 1 है, 1 और 2 के बीच में आपने नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, तो 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अभी हमने सेम चीज यहां भी की हुई है, 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाइन है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। अब आप क्या करेंगे, हाउ आई कैन राइट 3, सॉरी, हाउ कैन आई राइट दिस 2, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 6 बाय 3, आपको पता है कि 2 क्या होता है, 6 बाय 3 के इक्वल। ओके, एंड ये 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 3 बाय 3, तो मैंने सपोज 1 को लिख दिया 3 बाय 3, यहां पे मैं 1 लिख रहा हूं, ओके, और ये मेरा है 6 बाय 3, तो यहां पर हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं अपना नंबर विच इज 2, और यहां पर मैंने लिख दिया 6 बाय 3, ठीक है, तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, दिस इज 4 बाय 3, और ये हो गया हमारा 5 बाय 3। तो हमने रिप्रेजेंट क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 5 बाय 3, तो आप बोलेंगे दिस इज माई नंबर 5 बाय 3 ऑन द नंबर लाइन। अगर मैं यहां पर भी लिखना चाहूं नंबर, तो ये भी आपको पता है, दिस इज 0 बाय 3, दिस इज 1 बाय 3, एंड ये हो गया हमारा 2 बाय 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सपोज इसको करना चाहते हैं, आप फिर से यही करिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कॉन्टिन्यूटी में लिख सकते हैं, एंड देन सबके नीचे आप 3 लिख दीजिए, देन हमारा जो नंबर है नंबर लाइन पर वो आ गया 5 बाय 3, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नाउ सपोज मेरे पास है -7 बाय 4, ठीक है, तो आप फिर से एक काम करिए, देखिए मैं आपको सिंपल वे में ही समझा रहा हूं, ये फिर से हम क्या कर सकते हैं यहां पर,
आप ये माइनस वन और ये माइनस टू के अलावा देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको। सपोज जीरो है मेरा, अब आप लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं नंबर लाइन के, तो आप क्या करेंगे, यू कैन राइट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन एंड माइनस एट। ठीक है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, यू नीड टू रिप्रेजेंट माइनस सेवन बाय फोर, हमें नंबर लाइन के ऊपर माइनस सेवन बाय फोर करना है। मैंने क्या किया, सिंपल आपकी जो नंबर लाइन है आपने माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इन सब के नीचे पे आप फोर लिख दीजिए, जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब ये क्या आ गया बेटा हमारा, ठीक है, आई एम मार्किंग देम विद व्हाइट कलर। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये हमारा माइनस वन, ये क्या है बेटा, दिस इज माइनस टू, और ये माइनस सेवन बाय फोर हमें चाहिए था, तो दिस इज माई पॉइंट माइनस सेवन बाय फोर। तो सबसे बेस्ट ये है, ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। आप लोगों ने जैसे जीरो से स्टार्ट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे मैंने पार्टीशन किया, सबके नीचे आपने थ्री लिख दिया, एंड नाउ यू विल गेट योर नंबर इजिली। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल लेके फिर से दिखाता हूँ, जहां पर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने आपको दिया कि आपको रिप्रेजेंट करना है सेवन बाय फाइव ऑन द नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे लाइन लेंगे। सबसे पहले यू कैन ड्रॉ दिस विद अ स्केल ऑन योर नोटबुक, कभी कभी आप कोई भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। ठीक है, सबसे पहले आपने एक स्केल से लाइन ले ली, अगर आप पीछे रहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप समझ के कर सकते हैं। सेवन बाय फाइव हमने ले लिया, अब हम सिंपली क्या करेंगे, आप अपना स्केल रखेंगे तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे कुछ मार्किंग आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए नंबर लाइन के ऊपर सेवन बाय फाइव। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सब जगह डिनोमिनेटर में बाय फाइव लिख देता हूं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको अपना नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इफ आई लेक टेक वन मोर, दिस इज टेन बाय फाइव, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सेवन बाय फाइव। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं ऊपर, दिस इज जीरो है ना, ये जीरो बेटा, ये क्या है फाइव बाय फाइव, ये होता है हमारा वन। देन मेरे पास है टेन बाय फाइव, टेन बाय फाइव क्या होता है, ये होता है टू है ना, तो नंबर मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था सेवन बाय फाइव, दिस इज माई नंबर सेवन बाय फाइव, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर नंबर लाइन के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें आपको ये भी खास सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कि नंबर कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, टू चेक योर आंसर। ओके,